अभी तक जो सामने आया उसमें दो चीजें सामने आती हैं कि इस मृत्यु से पहले मृत्यु के कारण क्या रहे तो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन 8 पन्नों का सुसाइड नोट वो लग रहा है जैसे कि किसी ने अपनी वसीयत लिखी हो किस शिष्य को क्या देना है, किस शिष्य को क्या हिस्सा मिलना चाहिए, और वो 4 मिनट की वीडियो जिसका जिक्र कही जा रही है। आपका कहना क्या है कि क्या उनको व्यक्तिगत तौर पर आप जानते हुए कैसे व्यक्तित्व मानते हैं उनको, क्या आत्महत्या कारण आपको लगता है? व्यक्तिगत तरीके पे मैं जानती हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानती थी, मैं बहुत बार मिली हूँ महाकुंभ में, मैं उनके साथ कई बार हमारा जैसे बोलते हैं भंडारा होता है उसके दरमियान मैं मिली हूँ उनका बातचीत से। वो बहुत ही स्ट्रांग साधु थे, ऐसा कर नहीं सकते थे वो, और ये बड़ी दुखद घटना है अखाड़े के लिए। एक हमारे बीच में निरंजनी अखाड़े के और इतने बड़े मतलब संत हमारे बीच चले गए, तो उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर और दबाव रहा होगा जो उन्होंने ये कदम उठाई होगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये कदम उन्होंने जानबूझ के उठाई होगी, क्यों हम संत लोगों को देश को और समाज को जीने की राह बताते हैं, और वो ऐसी घटना क्यों कदम इतनी बड़ी कदम उठा सकते हैं। तो इसके लिए तो बहुत मतलब ये बोलते हैं संवेदना वाली बात है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र, गहरी षड्यंत्र रची गई होगी उनके खिलाफ, तभी ये घटना घटी है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड किया होगा जब तक उनको प्रेशराइज ना किया गया हो। अगर सुसाइड नोट है तो कड़ी मतलब अब हमारे बीच यहाँ के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी बड़े अच्छे सीएम हैं, और मैं उन पे पूरा भरोसा करती हूँ कि वो न्याय जरूर की सीबीआई से अच्छे ढंग से जांच करवाएंगे और हमारे डायरेक्टर जी को जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए ऐसा जी बिल्कुल। गुरुमा मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास, पंडित जेके बेनीवाल हमारे साथ हैं। पंडित जी, जिस प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं कंचन गिरी जी, उनके ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप करने की शायद कोशिश की गई होगी, क्या आपके पास कोई जानकारी इस मामले में, आपका अंदाजा क्या है इस बात को लेकर कि कैसा प्रेशर? ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वक्त पहले मई के आखिर में करोड़ों की कोई जमीन की बिक्री हुई थी जिसको लेकर प्रेशर उनके ऊपर लगातार बनाया जा रहा था। सत्य 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 हो गोविंद राधे, सत्य 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 हो तो लक्ष्य दिला दे। सत्य माने संत, सत्य माने भगवान, जो सत संत भगवान को मिलाने वाला हो वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख का ये घड़ी है, और इस घड़ी को हम बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बता दें, जहाँ पर संत होते हैं वहीं पर भगवान होते हैं, जहाँ पर संत होते हैं वहीं पर तीर्थ होता है। तीर्थ कहाँ होता है? भगवान तो अदृश्य हैं, दिखाई देते नहीं, संत भगवान से मिलवाता है। जैसा कि मैंने अभी दोहे में बोला, संत कौन होते हैं? लेकिन संत, एक बात बता दूं, संत कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, ये आपको बता दूं मैं, ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए। संत कौन होता है? संत तो अपनी मर्जी से जाता है, मूर्धा नाड़ी के यहां से निकलकर संत चंद्रलोक को जाता है, ये मैं शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूं आपको बात। आप जो कह रहे हैं ये भू माफिया की बात है या ये मीडिया में क्या क्या रहा, हम उस विषय में बात नहीं करेंगे। हम एक बात करेंगे कि हमारे संत को मजबूर किया गया, या वो अपनी तरफ से गए, या वो किस स्थिति में गए, इसकी एक बाकायदा जांच होनी चाहिए। और जैसे कि भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनावश्यक है हम इसके बारे में हम अपना कोई राय रखें या कोई अपनी स्टेटमेंट दें, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज बता दें, महंत गिरी जी के साथ में मैं राम मंदिर को लेकर पिछले कई सालों में उनके साथ डिबेटों में रहा हूं, हमेशा वो बड़ा प्यार देते थे, हमें कहते थे कि राम के लिए आप अपने जी जान लगाइए, हमने लगाया। और राम मंदिर के बाद में आपने देखा होगा मैं बहुत कम डिबेटों में आता हूं, क्योंकि हम राम के भक्त हैं। और एक चीज और बताऊं संत गिरी जी के बारे में, वो किसके भक्त हैं? देखिए, राम भक्त सबसे बड़े त्रेता में कौन थे? हनुमान जी। और लेटे हनुमान जी कौन हैं? ये जीवित हनुमान जी हैं जिनकी सेवा में नरेंद्र गिरी जी लगे थे, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। किन परिस्थितियां हुई, क्या हुई, ये तो जांच का विषय है, और जांच होगी तो आगे आएगा। लेकिन संत कभी मरते नहीं है, संत हमेशा, अरे जीव ही नहीं मरता तो संत क्या मरेंगे? संत तो अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं, लेकिन जब संत चला जाता है तो ये जीवों के लिए कष्टदायी है। बिल्कुल पंडित जी, मैं वापस आ रहा हूं। महंत राजूदास, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसमें कई कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही,
कई उनके ऐसे शिष्य हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप हैं कि कोई ना कोई संलिप्तता उनकी रही है। एक मठ के अंदर जहां आप अध्यात्म की बातें करते हैं, वहां कैसे संभावना हो पाती है इन सब चीजों की? क्योंकि ऐसे संत थे लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा सदैव तत्पर रहते थे। अभी देखिए कल की विषय है कि उपमुख्यमंत्री केशव जी साथ में वार्ता कर रहे थे, अगर किसी भी प्रकार की उनके मन में ऐसी भाव होती, इस प्रकार का कोई दबाव होता, इस प्रकार का कोई प्रेशर होता, इस प्रकार का कोई मानसिक टेंशन होता, तो बातचीत करते। भाई समृद्धशाली थे, समृद्धवान थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी थे, दो दो उप मुख्यमंत्री उनके शिष्य माने जाते थे, और उनको आत्महत्या करना पड़े ऐसा संभव कतई नहीं है। इसके नाते मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से जी। मैं आग्रह करता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से, मैं आग्रह करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के साथ साथ एक अजय सिपाही करके उनकी सुरक्षा में था उसकी नार्को टेस्ट हो। क्योंकि आप देखिए कि जिस कमरे का ये घटना है तो उस कमरे से हर व्यक्ति मोबाइल रखा है, वीडियो बनाना जानता है। अगर वो पंखे में लटके थे, किसी ने वीडियो नहीं बनाई, लटके हुए खोलते हुए वीडियो नहीं बनाया, कहा कि महाराज यहाँ पंखा से जो है फांसी लगा के खत्म हो गए, तो कहने का मतलब है। और जो पीछे का जो बाथरूम के तरीके से रास्ता है उसमें सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, बाकी सभी जगह का सीसीटीवी काम कर रहा है, तो रुक गए होते, पुलिस वाले आ जाते, तब आप उतारे होते लाश को। और ये संभव नहीं है कि साथ साथ आठ आठ पन्ना तत्काल में सुसाइड नोट नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि उनके एक शिष्य बता रहे थे कि एक बजे तक हम लोगों ने उनको देखा, एक बजे तक उन लोगों उन्होंने बातचीत किया, हमने फोन किया चाय के लिए पूछा, उन्होंने कहा ठीक है जब चाय पीना होगा तो हम मंगा लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार की योजना बनानी होती या ये पहले से किसी न किसी प्रकार से कुचक रचा जा रहा था। बीच में गुरु शिष्य में भी विवाद हुआ, बीच में जो है संपत्ति को लेकर गुरु शिष्य में लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने सुलह समझौता किया, हम लोग भी डिबेट के माध्यम से उनसे वार्ता हो पाई। महंत राजू दास जी, जिस विवाद का आप जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में, वो विवाद क्या था ये जरा अपने दर्शकों को एक दफा हम फिर समझा देते हैं। महंत नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी शिष्य थे आनंद गिरी। आनंद गिरी साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी गए थे दौरे पर, तो वहीं पुलिस ने आनंद गिरी को डिटेन किया था। कुछ लड़कियों ने आनंद गिरी के ऊपर अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगाया था। आनंद गिरी काफी हाईटेक संत के तौर पर अपनी पहचान वहां बना रहे थे, साथ ही साथ दुबई यात्रा के दौरान आनंद की तस्वीरों से बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो एक संत है, ये आरोप लगाया जा रहा है। नरेंद्र गिरी ने बताया था कि आनंद गिरी संत और सन्यास परंपरा का पालन नहीं कर रहे। नरेंद्र गिरी इस बात से भी नाराज थे कि आनंद गिरी खुद को मठ और मंदिर का उत्तराधिकारी बताते थे, जबकि महंत नरेंद्र गिरी ने कभी ऐसा ऐलान नहीं किया था। आनंद गिरी को कभी भी उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने घोषित नहीं किया था। आनंद गिरी पर आरोप यह भी कि वो दान और मठ के पैसों में हेरा फेरी कर रहे थे। इन सभी आरोपों के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को गद्दी और मठ से हटा दिया, जिसके बाद आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच विवाद लगातार बढ़ता चला गया, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। उसके बाद 26 मई साल 2021 यानी इसी साल 26 मई को गुरु शिष्य दोबारा एक हुए। यह कहा जा रहा था कि लखनऊ में एक अधिकारी के आवास पर यह समझौता वहां हुआ है। सार्वजनिक तौर पर आनंद गिरी ने पैर पकड़ करके महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगी। अखाड़े के कुछ साधु संत प्रयागराज के स्थानीय नेता ने दोनों इनके बीच सुलह कराई थी। महंत नरेंद्र गिरी के गणर थे अजय सिंह और आनंद गिरी के बीच भी झगड़ा था। नरेंद्र गिरी अपने गणर के पक्ष में रहते थे और अजय सिंह और आनंद गिरी के बीच में ये झगड़ा रहता था। महंत राजूदास भी जिस अजय सिपाही के जिक्र कर रहे हैं, महंत राजूदास ये अजय सिंह वही अजय सिपाही है जिसका आप अभी आपका कर रहे थे? जी 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 जी, वो वही है। हाँ। क्योंकि वो लगातार महाराज जी की इतना दिन से सेवा में थे जी, और ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, तो इसके नाते हमारी मांग है कि ऐसे लोग की नार्को टेस्ट हो। क्योंकि भाई तो अजय सिंह और आनंद गिरी के बीच में किस बात का झगड़ा था? मैन साहब देखिए, जिस प्रकार से संपत्ति का मामला था, उनका शिष्य का कहना है
कि महाराज जी कुछ जमीन हटाना चाह रहे थे और अजय सिपाही ये जमीन बेचवाना चाह रहा था, हमने विरोध किया तो अजय सिपाही हमको हटाने के लिए कई बार प्रयास किए। तो यह जी बहुत दिनों का मामला है, गंभीर मामला है, और इस परिस्थिति में वो कमरे में वो बताते हैं कि फांसी लगा लिए, तो इसके नाते मैं तो नहीं मानता हूं कि उन्होंने आत्महत्या करेंगे। और साथ साथ मैं जी मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। फिलहाल कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शनों के लिए। बड़े संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वाले, उनके शिष्य तमाम, उनके समर्थक तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शनों के लिए। नरेंद्र गिरी के सुरक्षाकर्मियों के ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहा है, जैसे कि खुद महंत राजदास ने भी कहा कि उनके जो सुरक्षा में तैनात था अजय सिपाही उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनके सुरक्षा में कुल चार लोग थे बताया जा रहा है, उन चारों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, न सिर्फ उनसे बल्कि उनके शिष्य जो थे, समर्थक जो थे, उन सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि ये मामला इतना सीधा नजर नहीं आ रहा, जैसा कि हमारे मेहमान लगातार कह रहे हैं और इससे पहले कहा भी गया था कि कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करने जा रहा है, कोई आम व्यक्ति नहीं, ये वो व्यक्ति जो दुनिया को आध्यात्म दर्शन कराते थे, जो जीने का तरीका सिखाते थे, वो अपनी आत्महत्या उन्होंने कथित तौर पर जो कहा जा रहा है, तो 8 पन्ने का सुसाइड नोट कोई व्यक्ति कैसे लिख सकता है। हमारे साथ रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, अब और क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या तस्वीरें सामने हैं, क्या क्या एंगल सामने हैं फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के? देखिए अनंत, जितने भी संत समाज के लोग हैं उनका ये मानना है कि साफ तौर पर महंत नरेंद्र गिरी जी इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठा सकते। इसमें जो कुछ भी परिस्थितियां अभी तक सामने दिखाई दे रही हैं उसमें बहुत कुछ असामान्य है और बहुत कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उनके सामने आ पड़ी कि उनको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूँ एक एक करके। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। अभी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर आए हैं अंतिम दर्शन के लिए, और पुलिस जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो संदेह की सुई है वो अनिल गिरी के ऊपर है, क्योंकि बताया ये जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि 3 से 4 महीने पहले जो गुरु और शिष्य के बीच में विवाद हुआ था, उसके बाद से लगातार दोनों के जो रिश्ते थे वो बिल्कुल सामान्य नहीं थे और उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। वो अपना ज़्यादातर समय जो है वो देहरादून में बिता रहे थे, लेकिन संदेह यही है कि उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही संदेहास्पद है। जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो महंत नरेंद्र गिरी जी का जो मोबाइल है वो पुलिस के पास है, आखिरी बार किस किस से बातचीत हुई, किस संदर्भ में बातचीत हुई, वो पुलिस बिल्कुल इस एंगल को बने रहिए। और मोबाइल की में अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए दिया गया था, और जिस 4 मिनट की वीडियो का जिक्र किया जा रहा है उस वीडियो में क्या, ये भी हम जानेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जय की बेरीवाल जी, गुरुमा कंचन गिरी और महंत राजदास, आपका हम लोग जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे और इसी मामले को लेकर के हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी खबर, हमारी रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी।